टाटा मोटर्स जल्द लॉन्च करेगी फुल इलेक्ट्रिक हैरियर एसयूवी। जाने डिजाइन से लेकर ड्राइविंग रेंज तक क्या है उम्मीदें। टाटा हैरियर एफ कॉन्सेप्ट को टाटा मोटर्स ने हाल ही में संपन्न हुए भारत मोबिलिटी एक्सपो 2024 में पेश किया था। टाटा मोटर्स देश में सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार रेंज वाली कंपनी है, जिसने इस लीडरशिप को बनाए रखने के लिए हाल ही में आयोजित हुए भारत मोबिलिटी एक्सपो 2024 के पहले एडिशन में अपने कई कॉन्सेप्ट ईवी को प्रदर्शित किया है, जिसमें से एक कंपनी की पॉपुलर एसयूवी हैरियर का फुल इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट भी है। इस एसयूवी को टाटा ने पहली बार पिछले साल ऑटो एक्सपो में प्रदर्शित किया गया था। टाटा हैरियर ईवी के इस साल किसी समय लॉन्च होने की उम्मीद है। टाटा मोटर्स की 2025 तक अपने पोर्टफोलियो में 10 इलेक्ट्रिक व्हीकल रखने की योजना है। इस आर्टिकल में आप जान लीजिए कि टाटा हैरियर के फुल इलेक्ट्रिक अवतार से क्या है उम्मीदें। टाटा हैरियर एव डिजाइन। अपनी नई डिजाइन लैंग्वेज पर कायम रहते हुए हैरियर ईवी में बोनट लिप पर एक एलईडी डीआरएल कनेक्टेड पट्टी है। इसमें स्प्लिट हेडलाइट डिजाइन जारी है, लेकिन अब इसे वर्टिकल रूप से स्टैक्ड एलईडी हेडलैम्प्स के साथ बदल दिया गया है। चूंकि यह एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इसमें ग्रे रंग की फॉक्स किट प्लेट के साथ वर्टिकल डिजाइन वाले फ्रंट बम्पर के साथ ही क्लोज फ्रंट ग्रिल मिलती है। हैरियर ईवी के साइड प्रोफाइल में एक निपेन टक जॉब और अलॉय व्हील का एक नया सेट मिलता है। पीछे की तरफ एलईडी कनेक्टेड टेल लाइट्स के डिजाइन में बदलाव किया गया है। ईवी को आईसी संस्करण से अलग करने के लिए हैरियर कॉन्सेप्ट के सामने के दरवाजों पर ईवी बैजिंग दी गई है। टाटा हैरियर एव केबिन और फीचर्स। हैरियर ईवी का इंटीरियर डिजाइन इसके आईसी संस्करण के समान होने की उम्मीद है, लेकिन मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म के आधार पर यह अधिक विशाल हो सकता है। टाटा के डिजाइन ट्रेंड के अनुसार हैरियर ईवी में दो स्क्रीन मिल सकती है, जिसमें एक टच स्क्रीन और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, नेक्सॉन ईवी और पंच ईवी की तरह एक नया स्टीयरिंग व्हील, टच और फिजिकल बटन दोनों के साथ एक नया सेंटर कंसोल, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, ऑल व्हील ड्राइव स्विच और लेवल 2 ADAS से लैस होगी। टाटा हैरियर एव स्पेसिफिकेशन। हैरियर एव ऑल इलेक्ट्रिक एक्टी एव आर्किटेक्चर पर आधारित होगी, जिस पर कंपनी ने हाल ही में टाटा ईवी को तैयार किया है। इससे एसयूवी को एफिशिएंसी, फ्लेक्सिबल केबिन स्पेस, बैटरी क्षमता और ऑल व्हील ड्राइव सेटअप के विकल्प के कारण ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बढ़ाने में लाभ होगा। उम्मीद है कि हैरियर ईवी एक बार चार्ज करने पर 500 किलोमीटर की रेंज देगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।